अगर किसी भी सिस्टम को सुधारना हो और अगर किसी भी कंट्री की तरक्की करनी हो, उसके लिए जो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग फाउंडेशन होनी चाहिए वो एजुकेशन की है। लेकिन पिछले कई सालों से जो है वो एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड जो है वो सरकारी स्कूलों में गिर रहा है, लेकिन सरकार जो है वो अब नए नए कदम उठा रही है ताकि जो बच्चे हैं उनको, जो स्कूल छोड़ चुके हैं उनको वापस लाया जाए और जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड है उसको बढ़ाया जाए। इस वक्त हमारे साथ सीओ किश्तवाड़ साहब है, सुदर्शन जी, हम इनसे बात करेंगे कि किश्तवाड़ में जो कुछ इश्यूज है, चाहे वो एब्सेंटिज्म कल्चर को लेकर है या स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर है, उस पर बात करेंगे। सर, सबसे बड़ी चैलेंज जो है वो किश्तवाड़ एक रूरल एरिया है और दूर दराज का एरिया है, यहाँ पर जो है वो एब्सेंटिज्म कल्चर की सबसे ज़्यादा रिपोर्ट्स आ रही है, तो उसको ओवरटेक करने के, ओवरकम करने के लिए क्या कर रहे हैं? हमने पिछले दिनों एक नई पहल की है जिसमें हम वो इलाके जो ज़्यादा दूर हैं हेडक्वार्टर से या थोड़े एक्सेसिबल उतने नहीं हैं, जहाँ ज़्यादा चलना पड़ता है, उनकी इंस्पेक्शन के लिए हमने ऑनलाइन मोड जो है वो अपनाया है और हम रीड कर रहे हैं कि उससे कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट आएगी। यानी कि आप वीडियो कॉल के ज़रिए जो है वो उन टीचरों से वहाँ कंटेक्ट करते हैं? हाँ बिल्कुल, हम वीडियो कॉल करते हैं किसी भी एक टीचर को या हेडमास्टर को या जो भी वहाँ का हेड टीचर है, तो फिर उस वीडियो कॉल से हम अराइवल भी देखते हैं, जो टीचर आए हैं उसको कहते हैं कि भाई कैमरा घुमाओ, सबको बताओ क्लासेस कौन सी चल रही है, जो उस वक्त चल रही है, बच्चे कितने हैं, कौन सा टीचर क्या पढ़ा रहा है, फिर टीचर से भी शॉर्टली हम बात कर लेते हैं। उससे ये पहले आप उनको बताते हो कि मतलब अचानक ही कर लो रैंडमली? ये रैंडमली, ये उनमें से किसी को नहीं पता होता कि आज हमारे साथ बात होगी या किसी और के साथ होगी। ये हम जैसे कोई स्कूल्स की लिस्ट है हमारे पास, बीच में से कोई एक दो तीन, सुबह आपने 11 बजे की बाद में उसी स्कूल में 4 बजे भी कॉल कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, एक बार छोड़ के दो बार भी हो सकती है, लेकिन हम एवरेज 2-3 स्कूल्स की ये जो ऑनलाइन इंस्पेक्शन है ये कर रहे हैं। पिछले दिनों से हमने ये शुरू किया है तो इससे मुझे लगता है कि पहले से बेहतरी होगी, क्योंकि इंस्पेक्शन कंपैरेटिवली आसान हो जाती है इससे। हाँ, जो इलाके नज़दीक नज़दीक हैं वहाँ तो हम खुद फिज़िकली भी चले जाते हैं, लेकिन कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पहुँच तो हम सकते हैं लेकिन काफ़ी दूर है, जैसे सरावा है, किथर के जैसे एरियाज है या नागसिनी के दूरदराज एरियाज है, पहुंच तो हम सकते हैं लेकिन वहाँ पहुंचने में टाइम लगता है। और कई बार ऐसा होता है कि भाई हम रास्ते से जा रहे हैं तो वहाँ पहले मैसेज पहुंच जाता है, हाँ वो तो वो हमारे जाने से पहले रिड्रेसल जो है वो कर देते हैं, तो इस मोड से रिड्रेसल का कोई चांस नहीं होता, उन्हें जो सच है वो दिखाना पड़ता है। सर, सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त जो है स्टूडेंट्स टीचर्स का जो रेशियो है, अगर हम किश्तवाड़ सिटी के स्कूल्स की बात करें, यहाँ पर 20 या 25 या 30 स्टूडेंट है जबकि 14-15 टीचर है। अगर हम दूर दराज के एरियाज की बात करें, दक्षिण है, पाडर है, बोजवा है, नागसिनी है, मड़वा वाड़वन है, वहाँ बच्चे 300 है, टीचर 5 हैं, जो आपके लेक्चरर्स की, मास्टर्स की जो पोस्ट है वो वैकेंट है, तो उसको मेंटेन रखने के लिए और उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए कोई स्टेप्स उठाए गए? क्योंकि पिछले कई सालों से जो है वो ट्रांसफर्स भी नहीं हुए हैं, जो टीचर सिटी में 12-12 साल से बैठा है वो बाहर नहीं जाना चाहता है, जो बाहर बेचारे जिनको 15-15 साल हो गए वो उनको कोई अंदर नहीं ला रहा है, तो उस पर क्या कर रहे हैं? एक्चुअली बीच में जो कोरोना पीरियड आया उसमें काफ़ी चीज़ें जो थी डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ वो स्टैंड स्टिल हो गई। अब खैर सिस्टम खुला है, हालात ठीक हैं। अब इसमें एक प्रॉब्लम हमें शुरू से वो टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई कि जो RET कैडर हमने लगाया था, जैसे ही वो रेगुलराइज हुए उसके बाद उनके स्कूल्स की स्ट्रेंथ जो थी वो गिरना शुरू हो गई, और लेटर ऑन बाद में डिपार्टमेंट ने क्या किया कि काफ़ी स्कूल्स जो थे मर्ज किए, क्लब कर दिए। अब क्लबिंग से ये हुआ कि स्कूल्स की तादाद कम हो गई और कुछ जगहों पर टीचर्स की तादाद ज़्यादा हो गई,
फिर ये जो कैडर ऐसा था जिसको हम उस विलेज या उस लोकलिटी तो लेवल से उसे क्या इसमें कोई रूलिंग है, लेकिन काफी लोग तो है ना जिनको आरईडी किया हुआ है, क्योंकि अगर आपने जो आरईटीज है उनको रेगुलराइज किया वो तो जनरल लाइन पोस्ट के अगेंस्ट किया हुआ है, तो फिर उनकी ट्रांसफर क्यों नहीं हो रही है? इसी को लेकर मैं एक जिक्र करूंगा, पिछले दिनों आपके एक दो केसेस आए, सबसे पहले तो एक इम्पर्शनेटिंग का केस आया है, ये तीनों केसेस जो है वो इंद्रवाल जोन से आए, कि मैं बताऊंगा, एक तो टीचर ने अपनी जगह किसी और को रखा था, दूसरा कुछ स्कूलों से जो है वो एक लोहेदार स्कूल है, एक और मुगल मैदान से बच्चों को निकालने की बात की जा रही है, क्योंकि आपके गवर्नमेंट ने टीचर्स पेरेंट्स मीटिंग जो है वो इम्पॉर्टेंटली जो है वो अटेंड करनी है तो करानी भी है, तो उसमें जब कुछ पेरेंट्स ने ऑब्जेक्शन उठाई तो बच्चों को जो है वो निकाला गया है वहाँ से। हाँ, इस तरह का ये यहाँ हमारे पास एक आइसोलेटेड इवेंट हुई है, हम उसमें इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो जैसे ही हमें पता लगेगा कि कहीं हमारा टीचर एट फॉल्ट तो नहीं है। नहीं, सर्टिफिकेट इशू की गई है। हाँ, की गई है, तो अगर वो फॉल्टी साबित होता है तो उसके खिलाफ जो है वो जो भी अंडर रूल्स एक्शन है वो लिया जाएगा। अब जैसे आपने बताया वो इम्पर्सोनेशन वाला, बिल्कुल, तो वहाँ वो जगह भी दूर थी, लेकिन बाई चांस हमारे जेडीओ साहब ने हमें कोऑपरेट किया, वो वहाँ पहुँच गई और वहाँ वो सारी चीज़ मिल गई, तो वो जो टीचर थी शी वाज प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन, तो अभी सस्पेंशन में ही है, इंक्वायरी चल रही है। इसी तरह एक दो तीन दिन पहले हमारे दो टीचर्स और थे जी। हमें रिपोर्ट्स मिली कि भाई वो फिजिकली यहाँ नहीं है, बिल्कुल, तो जब हमने इसी ऑनलाइन मोड से हमने थ्रू वीडियो कॉलिंग हमने अराइवल देखा, तो वो लगभग भी पिछले 20-21 दिन से उनकी अटेंडेंस मार्क नहीं हुई थी जी, तो वो सफिशिएंट एविडेंस था उनकी सस्पेंशन के लिए, तो हमने वो कर दिया, तो उसके बारे में भी अब फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि इनके खिलाफ इसके बाद कौन सी कार्रवाई की जाए। हम कोशिश कर रहे हैं कि ये सिस्टम जो है पहले से बेहतर हो जाए, क्योंकि जो हम कर रहे हैं दैट इज टोटली इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। सर, सबसे बड़ी इस वक्त जो लोग हैं वो जानना चाहते हैं कि ट्रांसफर कब होंगे और कौन करेगा, क्योंकि काफी लोग जो है वो आपके ऑफिस की तरफ रुख कर रहे हैं, हमारे ट्रांसफर करो, हमारे ट्रांसफर करो। ट्रांसफर कौन करेगा? क्या कमिश्नर प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब करेंगे, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब करेंगे, जो हमारे हैं एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब, डायरेक्टर करेंगे, आप करेंगे, ZEOs करेंगे, कौन ट्रांसफर करेगा? देखो, जो जनरल लाइन टीचर्स हैं उनकी जो एनुअल ट्रांसफर ड्राइव है उसमें सब लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई किया जी। तो जैसे ही अब कौन करेगा ये मैं इस वक्त नहीं बोल सकता, क्योंकि अब ऑनलाइन उन्होंने तो अप्लाई कर दिया है, जैसे ही हमारे हायर ऑफिस से जो भी डायरेक्शन आएगी हम उसको फॉलो करेंगे, ट्रांसफर तो होंगी क्योंकि ये एनुअल सिस्टम है, तो ये करनी है। नहीं, काफ़ी लोग हमें ये पूछते हैं कि हमें 15 साल छात्रों में हुए, हमें 10 साल जो है वो मुगल मैदान में हुए, हमें 8 साल जो है वो पडियारना में हुए या पाडर में हुए, तो उनको क्या कहना चाहेंगे आप उन टीचर्स को कि क्या उनके साथ इंसाफ होगा? हाँ, मेरा एक मैसेज है उन टीचर्स के लिए कि भाई आप डिपार्टमेंट पर यकीन रखिए, हमारी हायर मैनेजमेंट अच्छे लोग हैं, तो इस तरह के जो टीचर्स हैं जिनको हम कह सकते हैं कि इतनी देर से कोई वहाँ अटका है तो विक्टिमाइज्ड है, तो बिल्कुल हमारे हायर ऑफिसर्स उस विक्टिमाइज्ड टीचर का ख्याल रखेंगे, वो उनके एजेंडे में होगा, टीचर्स को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सर, सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर है, और जो बच्चे सरकारी स्कूलों से ड्रॉप आउट हो रहे हैं, एक शायद कोई क्लास स्कीम जो है वो आपने शुरू की है, उसके बारे में बताइए, और आप जो बच्चे छोड़कर जा रहे हैं उनको क्या एश्योरेंस देना चाहेंगे कि एक क्वालिटी एजुकेशन जो है वो उनको मिलेगी? देखो, तलाश जो स्कीम है उसमें यह है कि हमें आइडेंटिफाई करने हैं वो बच्चे जो स्कूल में पढ़े थोड़ी देर और बीच में से छोड़ गए, यानी इनको हम बोलते हैं ड्रॉप आउट्स। जी बिल्कुल, हमने वो बच्चे भी आइडेंटिफाई करने हैं जो वहाँ थे बट वो स्कूल आए नहीं, कारण वजह कोई भी हो सकता है। मैं दो चीज़ें जो इसमें क्लियरेंस चाहता हूँ, आप दो चीज़ें बोल रहे हैं, एक की जो परमानेंटली छोड़ दे रहे हैं, दूसरे जो जिनको माँ बाप भेजने नहीं है। हाँ, बट वो रजिस्टर्ड है, मतलब इनको भी आइडेंटिफाई करना है और इनको जो स्कूल रजिस्टर पे तो मौजूद हैं लेकिन वो रेगुलरली जो है वो आते नहीं,
नहीं, वो एब्सेंटिज्म है, वो नहीं। हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं ड्रॉप आउट्स, मीन्स एक क्लास से फेल हुआ जी, और उसने बाद में दूसरी क्लास में एडमिशन नहीं हुआ जी, दोबारा स्कूल नहीं आया या एग्जाम, या मान लेते हैं वो पास भी हुआ जी, लेकिन वो वापस घर चला गया, उसने नेक्स्ट क्लास में एडमिशन नहीं ली। तो ये इस तरह का जो स्टूडेंट स्लॉट है, इसको आइडेंटिफाई किया जा रहा है, और आगे प्लान ऐसा है कि भाई हम इनको किस तरह वापस स्कूल में ला सकते हैं, ताकि वो भी पढ़ें जी, ताकि आने वाले वक्त में वो बेहतर इंसान बने। सर, इसमें अगर हम एनालिसिस करते हैं डाटा का, तो जो सबसे ज़्यादा ड्रॉप आउट है वो लड़कियां हैं, और अगर हम उस वजह को जानने की कोशिश करते हैं, वजह ये पाई जाती है कि जो स्कूल्स हैं वहाँ पर बाथरूम नहीं है, अगर बाथरूम है तो उन स्कूलों में पानी नहीं है, तो लड़कियों की जो सबसे बड़ी ड्रॉप आउट की वजह है वो स्कूलों में टॉयलेट्स ना होना है। तो इसके लिए आप सरकार से क्या प्रपोजल दिया है, या कुछ दिया भी है, या कुछ करने जा रहे हैं, जो ये सबसे बड़ी जो है इस वक्त देखिए हमारे प्रॉब्लम है, हमारे मेजॉरिटी स्कूल्स जो हैं, जो मिडिल स्कूल और उससे ऊपर वाले हैं, उनमें लगभग बाथरूम्स टॉयलेट्स हैं। हाँ, उनमें से काफ़ी ऐसे हैं, क्योंकि हमारी टेरेन जो है वो टफ है, काफ़ी जगह ऐसी हैं जहाँ पानी नहीं है, और अगर वहाँ पानी पहुँचाना है तो वो ईजिली नहीं पहुँचता, मेहनत करनी पड़ती है जी। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन से हमेशा कांटेक्ट में रहते हैं, जब भी मीटिंग्स होती हैं हम अपनी प्रॉब्लम्स रखते हैं। तो क्या ये जल शक्ति डिपार्टमेंट के पास आपने रखी हुई? हाँ बिल्कुल, जब भी मीटिंग होती है वो भी वहाँ होते हैं, तो हमारे डीसी साहब हैं, बिल्कुल उनकी अध्यक्षता में ये सारी बातें होती हैं। तो मुझे तो ऑलरेडी अब यहाँ दो ढाई महीने ही हुए हैं, लेकिन प्रोग्रेस जो है वो नज़र आ रही है फील्ड में, हाल तो थोड़ी स्लो है क्योंकि हमारी टेरेन जो है वो थोड़ी डिफरेंट है, लेकिन प्रोग्रेस हो रही है। ऑल्दो जो टॉयलेट्स की प्रॉब्लम जो है वो प्राइमरी स्कूल्स में ज़्यादा है, क्योंकि कुछ प्राइमरी स्कूल्स बड़ी इनएक्सेसिबल जगहों पर हैं, वहाँ मटेरियल कैरेज दिस दैट, इस इलाके में ये टिपिकल प्रॉब्लम्स हैं। जो मतलब जो जो, जो जो स्कूल का टॉयलेट जम्मू में जिस कास्ट में बनेगा वो किश्तवाड़ के सरावा में या किश्तवाड़ के सुखनई में या किश्तवाड़ के कित्थर में नहीं बन सकता या मचेल में नहीं बन सकता, ऐसी ये लाइट प्रॉब्लम्स हैं जिनसे थोड़ा सा हमारा काम जो है वो हैम्पर करता है, कम हो जाता है स्पीड उसकी। सर, हमारे कुछ स्कूल्स हैं, कुछ प्राइवेट बिल्डिंग्स में चल रहे हैं, कुछ जो है वो सरकारी स्कूल है, अगर मिडिल स्कूल है दो कमरे हैं, एक में टीचर है एक में स्टूडेंट है, इस तरह की प्रॉब्लम को इशू करने के लिए जो है वो आप एज ए चीफ एजुकेशन ऑफिसर, क्योंकि आपका काफ़ी वास्ट एक्सपीरियंस रहा है, पूंछ में आपने सर्विस की जहाँ के आप हैं, राजौरी में, बाकी जो है वो 35 साल की आपकी सर्विस है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किसी चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। हालांकि हम स्मार्ट क्लासेस और डिजिटल बोर्ड की बात कर रहे हैं, हमारे पास चाक नहीं है बोर्ड पे लिखने के लिए कुछ स्कूलों में, तो उसको ओवरकम करने के लिए कोई, क्योंकि आप 21वीं सेंचुरी भी है, आप 2022 भी है, उसको कुछ मॉडिफिकेशन होने जा रही है? देखिए, हमारी डिपार्टमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो बिल्कुल फोकस्ड है स्कूल्स की तरफ। हम अक्सर मीटिंग्स में जहाँ भी हम बैठते हैं तो डिपार्टमेंट के हायर अप्स जो हैं हमारे, वो बिल्कुल इस चीज़ पर ध्यान रखते हैं, और हमारी जो ग्रांट सिस्टम है जी, उसमें बिल्कुल इन चीज़ों को, जो जो भी हम प्रोजेक्ट करते हैं जी, बिल्कुल उसी के मुताबिक वो पिन पॉइंटेड जो ग्रांट से हमें आती हैं। अब लेटेस्ट सिस्टम पहले से चेंज हो गया है जी, अब ये है कि भाई जो भी चीज़ ग्रांट आएगी, कोई प्रोजेक्ट कहीं आएगा, तो वो विद इन स्टिपुलेटेड पीरियड उसको कंप्लीट करना ही होगा जिसने भी बनाना है, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। हमारे कुछ प्रोजेक्ट 10-10, 11-11, 8-8, 9-9 साल पहले के फंसे हुए हैं, पता लगता है कोई आधा छोड़ के चला गया, कोई प्लान्स डाल के चला गया, लेकिन नो, अब ऐसा सिस्टम नहीं है। अब फ्रॉम द डिपार्टमेंट टू द कंट्रैक्टर नीचे तक एक डिसिप्लिन है, और ये उसी के मुताबिक इन्हें चलना होगा, और इनको टाइम बाउंड काम दिया जाता है, भी इतना काम इतने वक्त में ख़त्म कर रहे हैं। सर, जो बोर्ड्स हैं और चार्ट का एक इशू है, उसको कुछ आप कर रहे हैं, जो नए मॉडर्न बोर्ड आ रहे हैं क्या वो इंस्टॉल होंगे, क्योंकि अब आजकल जो है वो चाक का ज़माना ख़त्म हो गया, मार्कर का ज़माना है। तो कुछ स्कूल्स हैं हमारे, क्योंकि वही बात आ जाती है टेरेन की, कि वहाँ कभी कभी इस चीज़ की कमी लग जाती है, लेकिन हम हमेशा अपने रेडियोज जो हैं उनके कांटेक्ट में रहते हैं, और उनको गाइड करते रहते हैं कि भाई अगर ऐसी कोई चीज़ किसी स्कूल में है कमी, तो उसको फौरन पूरा किया जाए। काफ़ी जगहों पर हो भी जाती है,
कई बार कुछ देर भी लग जाती है। सर कुछ देर पहले तक अटैचमेंट्स का बड़ा इशू था, तो आज भी जो है वो अटैचमेंट का इशू है। हमारे अगर कुछ स्कूल, जैसे मैंने बोला कि 300 स्टूडेंट्स हैं, जब स्कूल्स बंद हो गए तो रैशनलाइजेशन जो है वो होनी है। Yes. तो वही मैं बात कर रहा था, हम पहले ही उस सवाल पर आते हैं। तो जिन स्कूलों में स्टाफ ज़्यादा है और बच्चे कम हैं, क्या हम उम्मीद करेंगे जो अगली लिस्ट आएगी उसमें जो हमारे प्राइम इंस्टीट्यूशन से उनको स्टाफ मिलेगा? हाँ बिल्कुल, क्योंकि जैसे हमें ऊपर से डायरेक्शन मिली है हायर अप से, उसके मुताबिक हम रैशनलाइजेशन की प्रोसेस जो है वो अंडरटेक कर चुके हैं और हम स्लोली उसकी तरफ मूव कर रहे हैं कि वो स्कूल जिनमें जो रोल है स्टूडेंट्स का, स्ट्रेंथ कम हो गई है, उनको क्लब किया जाएगा इन नियर फ्यूचर। तो वो उसकी एक ब्लूप्रिंट हमने तैयार कर ली है और ग्रेजुअली हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी चेक्स एंड बैलेंसेस देखने पड़ते हैं। तो ये समझो कि इन नियर फ्यूचर कब तक ये होने वाला है, आप कह सकते हैं एक महीना लग सकता है, डेढ़ महीना लग सकता है, उसमें ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। सर अब हम इसको कंक्लूड करने की तरफ आते हैं, हम ले चलते हैं हम मड़वा और वाड़वन की तरफ। आप तो यहाँ पर वीडियो कॉल्स कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ इंटरनेट अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो वहाँ का टीचर्स पोस्टेड है, जो आपके डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज पोस्टेड है, अगर हम व्हाट्सएप खोलें, फेसबुक खोलें, वो ऑनलाइन होते हैं, यहाँ पर शेयर में फिर रहे होते हैं, इसका मतलब है कि वो ड्यूटी नहीं देते। तो यस, उसके लिए क्या कर रहे हैं? मैं मानता हूँ हर जो महकमा होता है उसमें 100% लोग कमिटेड नहीं होते, तो उसी तरह हमारे महकमे में भी अगर मैं ये कह दूं कि 100% टीचर्स ठीक हैं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमेशा जो मोड ऑफ एंट्री है किसी भी डिपार्टमेंट में, कई बार इस तरह का एलिमेंट जो थोड़े स्लगिश होते हैं, थोड़े इररिस्पॉन्सिबल होते हैं, कोई भी आदमी ऐसा हो सकता है, वो सिंपली टीचर ही नहीं, किसी डिपार्टमेंट का कोई भी हो सकता है, इवन ऑफिसर कैन बी इररिस्पॉन्सिबल, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा एलिमेंट हमारे में है, लेकिन हम उसको प्लग करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सर आखिर पर मैं चाहूँगा कि आप जो स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे और नसीहत क्या देना चाहेंगे, खासतौर पर जो टीचर है, जो अब हम उसको लेथार्जिक भी कहेंगे, टीचर जो है वो लेथार्जिक भी हुआ है, तो उसको वो एक्टिवेट करने के लिए क्या मैसेज देंगे और स्टूडेंट्स को मैसेज क्या देंगे और पेरेंट्स को क्या मैसेज देंगे, उनको क्या रोल निभाना चाहिए? मैं डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के जितने टीचर्स हैं उनको मेरी तरफ से एक ही मैसेज है कि भाई आप टीचर हो, आपने बीएड एमएड में पढ़ा है, टीचर इज द मेन साल्ट इन द सोसाइटी, बैकबोन, टॉर्च बियरर, लीडर, अगर ये सारी चीज़ें इस दुनिया के ग्रेट मैन ने टीचर्स के बारे में कही है, तो मेरा आपको यही मैसेज है, ट्राई टू प्रूव योर सेल्फ, अपने आप को साबित करने की कोशिश करो। मैं जो स्टूडेंट हैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि आप अच्छे तरीके से पढ़िए, टीचर से आपके पास पढ़े लिखे टीचर हैं, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, हेडमास्टर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, ZEOs हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि इस सिस्टम को थोड़ा वाइब्रेंट बनाइए ताकि लोगों को फील हो कि हम कुछ कर रहे हैं। रही बात पेरेंट्स की, तो उनसे मैं इतना ही कह सकता हूँ कि आप निश्चिंत रहिए, ये जो टीचर्स हैं आप में से ही हैं, ये काम करेंगे, इसमें हमें आपका भी सहयोग चाहिए। मैं मानता हूँ कि हम में से कुछ लोग ढीले हैं, वो सिर्फ टीचर्स में ही नहीं बल्कि हर जगह पर ढीला एलिमेंट आपको मिलेगा, बट ऐसा नहीं है कि हम इम्प्रूवमेंट नहीं ला सकते। हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो सिस्टम यहाँ पहले से थोड़ा एक तो बेड़ा हुआ है, दूसरा कोविड ने इसको डिफंक्ट किया, अब टीचर्स को ट्रैक पर लाने में कुछ दिन और लग सकते हैं, जो एक कंटिन्यूस प्रोसेस, जो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, हम लगे हुए हैं। और मैं टीचर्स को लास्ट में फिर कहता हूँ,
भाई अपने आप को साबित करने की कोशिश कीजिए कि आप टीचर हैं। थैंक यू। ये सीओ किश्तवाड़ सुदर्शन जी हमारे साथ थे और इनका साफ कहना है कि जब तक हम सब लोग मिलकर काम ना करें तब तक एजुकेशन को जो है ना ही मॉडर्नाइज किया जा सकता है ना ही एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया जा सकता है। अगर टीचर्स का काम पढ़ाना है, जो स्टूडेंट्स हैं उनका काम पढ़ना है, और जो माँ बाप है उनको अपने बच्चों पर और स्कूल की एक्टिविटीज़ में भी जो है वो हिस्सा लेना पड़ेगा। अगर कहीं टीचर नहीं आते हैं या कोई स्टाफ जो है वो आता नहीं है, अगर बच्चों को आपकी कमी है, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो है वो अब शायद 26 तारीख की हर महीने की जो है वो टीचर्स पेरेंट्स मीटिंग जो है वो एक कंपलसरी की हुई है, वहां पर आप वो इशू लाइए। और सिर्फ इशू लाइए नहीं, जो वहां का उस वक्त का हेडमास्टर जो मीटिंग को प्रेजाइड करेगा या जो करेगा उसको जो है वो रिटन नोट में लाइए, और उसमें 10 या 15 लोग जो मीटिंग में होंगे वो साइन कीजिए, उसकी कापी अपने पास रखिए, ताकि वो कापी जो है वो सीओ किश्तवाड़ के पास आए और जो वहां पर उसमें वो लोगों ने जो है वो डिमांडें की होंगी उनको एनालाइज करके जो है जो इन तक होंगी वो ये सॉर्ट आउट करेंगे, जो गवर्नमेंट तक होगी वो गवर्नमेंट सॉर्ट आउट करेगी। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।